वो कहते हैं कि आप रूस और यूक्रेन के इशू पे हमारी सपोर्ट करें, तो वो कहते हैं आपने इंडिया को खत नहीं लिखा। भाई इस बात का इंडिया से क्या ताल्लुक है? मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूँ जनाब, ये जो इंडोफोबिया है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग नॉर्मल ही नहीं रहते। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका इंडिया से क्या ताल्लुक है भाई? और खास तौर पे वजीर आजम साहब ने जो कल तकरीर की और डायरेक्टली पब्लिकली जो है वो उनके ऊपर जो है तनकीद की है, उससे मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और डिप्लोमेटिकली हमें उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इस एंगल से The West will be more than happy to see Khan bow out. सूरतेहाल के मुताबिक अगर ये मुल्क पाकिस्तान की बरामदात पर पाबंदी लगा दें तो पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान भुगतना पड़ सकता है, और सिर्फ जर मुबादला ही नहीं बल्कि अमरीका के साथ खराब ताल्लुकात का नतीजा IMF की नाराजगी का बायस भी बन सकता है। आप लोग जब पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, तो इमरान खान ट्वीट करते हैं हमें अमेरिका से इतने पैसे आए, यूरोप से इतना पैसे आए, और आज उसी यूरोप को जो है वो गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं हम आपके गुलाम हैं। पाकिस्तान को ये चाहिए कि देखो ज्यादातर हमें बहुत कुछ करेंगे तो GSP प्लस का स्टेटस जो है वो नहीं देंगे। और से देखिए कि अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से तो कम अज कम उनका किसी और पे तकिया है और उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। अगर देखिए इंडिया ने एक पोजिशन ली है तो दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि हमारे बनिस्बत इंडिया के पास जो कि जो फॉरेन पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इमरान खान की यूरोपियन यूनियन को दी गई धमकी के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के अब पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि हमें हमारा GSP+ स्टेटस जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हमारा यूरोप के साथ 13 अरब डॉलर्स का व्यापार होता है। अगर यूरोप ने हमारा GSP+ स्टेटस छीन लिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान हर मामले में अपनी तुलना भारत से करना चाहता है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत का अपना अलग स्टेटस है, जबकि पाकिस्तान को कोई पूछता तक नहीं। पाकिस्तान को इमरान खान के रूस के दौरे की सजा मिलनी शुरू हो गई है। ब्रिटेन ने पाकिस्तानी NSA को अपने यहां आने से साफ मना कर दिया। पाकिस्तान मीडिया अपने प्राइम मिनिस्टर के यूरोपियन यूनियन को दी गई धमकी से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अगले दिन जब यूरोपियन यूनियन की सफीर को धमकी दी कि हम तुम्हारे गुलाम है, तुम हमें खत लिखती हो, लेकिन उन्होंने साथ ही आज क्या किया कि आज उन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उनको कॉल कर दिया है और कहा है जी कि हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात ठीक करने में। आप सर इसे कैसे देखते हैं? एक तरफ धमकी लगा दी, दूसरी तरफ जो है वो नजदीक हो गए और प्रेसिडेंट EU काउंसिल को फोन कर दिया, ये इमरान खान साहब का क्या यू टर्न समझेंगे या क्या समझेंगे सर इसे? देखें जी, ये तो बहरहाल जो लोग इस बात की बारीकी को समझते हैं उनके लिए तो ये बड़ा शॉकिंग किस्म का पोस्चर है जिस तरह का पोस्चर उन्होंने इख्तियार किया। देखें, ये इंटरनेशनली जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, तरीकाकार हैं, उसमें सबसे महजब तरीन तरीका खत लिखना ही होता है। इस पे अगर वो खत लिखते कि यूर एक्सीलेंसी वी आर कंसर्न कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो वो जवाब में कहते कि आपने इंडिया को क्यों नहीं लिखा जी, तो फिर भी कोई बात दूर घुमा के कहीं से मुमकिन है मिल जाती। वो कहते हैं कि आप रूस और यूक्रेन के इशू पे हमारी सपोर्ट करें, तो वो कहते हैं आपने इंडिया को खत नहीं लिखा। भाई इस बात का इंडिया से क्या ताल्लुक है? मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूँ जनाब इन्हीं फोरम्स पे कि पाकिस्तान में हुक्मरान तबका जो है वो साइकोलॉजिकली सिक हो गया है इंडिया से। ये जो इंडोफोबिया है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग नॉर्मल ही नहीं रहते। अब आप मुझे ये बताएं कि इसका इंडिया से क्या ताल्लुक है भाई? आप रूस की सपोर्ट करें या रूस की मुखालफत करें, आपका एक डिप्लोमेटिक अप्रोच है और उसमें उन्होंने अपनी एक अप्रोच आपके सामने रखी है कि आप हमारे ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें, तो उसमें इंडिया कहाँ से आ गया या उसमें कश्मीर कहाँ से आ गया? अब ये होती है ना जो अननेसेसरी किस्म की हमदर्दी कि आप हर चीज में जाके कश्मीरियों से हमदर्दी जताने के चक्कर में उनका सत्यानाश कर रहे हैं। कभी ले जाके उनको फलस्तीनियों से मिला देते हैं, कभी ले जाके बासनिया से मिला देते हैं, कभी इवन चीचनिया के साथ आपने उनको जोड़ दिया था, कभी ले जाके जनाब जो है वो आप यूक्रेन से जोड़ देते हैं। ये जो चीजें हैं ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है
और ये इस चीज की दलालत है, तो उससे ये तर्जमा निकाल देना कि आपने खत क्यों लिखा, हम आपके गुलाम हैं। भाई उन्होंने अपनी जो है वो कम्युनिकेशन की है, चूंकि कम्युनिकेशन का और गुलामी का आपस में क्या ताल्लुक है, या तो उन्होंने आपको हुक्म दिया हो तो पूरी बात बताएं। क्या यूरोपीय मुल्कों को 8 अरब डॉलर की बरामदात पाकिस्तान के लिए कोई मानी नहीं रखती है? अगर अमरीका पाकिस्तान से बरामदात लेना बंद कर दे तो इससे जो 5.5 अरब डॉलर का नुकसान होगा, क्या इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि वजीर आजम आजाद खारजा पॉलिसी का झंडा थामे जलसे जुलूसों में यूरोपीय यूनियन को जिस लहजे में ललकार रहे हैं, जिन हसास मामलात पर बंद कमरों में बात होनी चाहिए, सिफारती सतह पर सिफारती तरीके से अपना मौकफ पेश करना चाहिए, इन हसास मामलात को वजीर आजम इमरान खान सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते नजर आते हैं। चंद दिन पहले यूरोपीय यूनियन के मुल्कों ने पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन पर रूस के फौजी इकदाम की मजम्मत करे, लेकिन दफ्तर खारजा ने यूरोपीय यूनियन के इस दबाव डालने पर एहतजाज भी किया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज मेलसी जलसे में वजीर आजम ने सिफारती आदाब बलाए ताक रखते हुए यूरोपीय मुल्कों को जिस तरह मुखातिब किया वो इंतहाई हैरान कुन। लेकिन आजाद खारजा पॉलिसी बयान देने के इस तरीके, जगह, वक्त और मौके के मुल्क के लिए इंतहाई संगीन नताइज निकल सकते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हर बरामदात का कुल हजम 25 अरब डॉलर के करीब है, जिसका 34% हिस्सा यानी 7.5 अरब डॉलर की बरामदात सिर्फ यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में फरोख्त होती है। जबकि मुशीर तजारत अब्दुल रजाक दाऊद के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान को अमेरिका को बरामदात से 5.2 अरब डॉलर का जरिए मुबादला हासिल हुआ था। इस सूरतेहाल के मुताबिक अगर ये मुल्क पाकिस्तान की बरामदात पर पाबंदी लगा दें तो पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर से जायद का नुकसान भुगतना पड़ सकता है, और सिर्फ जरिए मुबादला ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ खराब ताल्लुकात का नतीजा IMF की नाराजगी का बायस भी बन सकता है। तो इन्होंने जो कुछ भी बातें की वो इंतहाई नुकसानदेह हैं। अच्छा, एक बात आप जरा गौर से देखिए कि अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से या और दूसरे ममालिक से जो कि एक हिस्टोरिकली रशिया या सोवियत यूनियन के साथ रहे हैं, तो कम से कम उनका किसी और पे तकिया है और उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। अगर देखिए इंडिया ने एक पोजीशन ली है तो दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि हमारे बनिस्बत इंडिया के पास जो फॉरेन पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, और आप एक थोड़ा सा इसमें तसलसल देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी साहब के बाद कुछ चीज़ें अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुका हुआ, अगली बार भी ट्रंप सरकार वाले जैसे नारे लगे, उनके बगल में खड़े होकर उन्होंने ये नारे लगवाए, लेकिन एक आपको फिर भी एक तसलसल नज़र आता है, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो उनका ताल्लुक रहा है USSR से और फिर उसके बाद रशिया से, तो वो भी एक उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। तो अगर इंडिया एक ऐसी पोजीशन लेता है तो उसके पास, हालांकि मैं समझता हूँ कि खुद इंडिया के लिए अपने लिए ये एक लॉन्ग टर्म में कोई अच्छी पोजीशन नहीं है न्यूट्रल रहने की, वो ज़्यादा सस्टेन कर भी नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के पास ना कोई हिस्टोरिकल तसलसल है, ना कोई हिस्टोरिकल उसमें एक आपको नज़र आता है कोई कि USSR से या रशिया से आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ऑन द कंट्ररी बहुत बुरे रहे हैं, आप उनके एनिमी रहे हैं, आपने उनके खिलाफ पूरी एक जंग का साथ दिया है बहुत बड़ी, और उसके नतीजे में USSR टूटा भी, और दूसरी तरफ ये कि आपके इस वक्त भी जो है, यानी आपके पास जो एक फॉरेन पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है,